अच्छा आपका थोड़ा परिचय दीजिए और आपने किस बारे में यहाँ से जो ट्रीटमेंट लिया वो बताइए। जी मेरा नाम नंदा है जी, नंदा सुर से जी, और मैं अपने भाभी के लिए दवाई प्रेगनेंसी के लिए मैं यहाँ आती थी उसके अच्छा। भैया के साथ आती थी जी, तो उसको प्रॉब्लम था थोड़ा, वो बताइए कि उसको प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम था और उसके लिए अपने दवाई के पहले आपने क्या क्या किया वो थोड़ा बताइए। तो हमने बाहर की बहुत सारी दवाई की और दो बार मिस हो गया उसको प्रेगनेंसी। अच्छा। रही थी पर 1.5-2 महीने का हुआ और मिस हो गया, फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ। उसके बाद वो कितना टाइम ऐसा रहा यानी कैसे? 4 साल के करीब। हाँ 4 साल। शादी को 4 साल हुए, फिर भी तब तक भी नहीं हो रहा, नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने आपके पास आने का सोचा, मैं बोला चलो पूछ लेते हैं यहाँ आकर। तो फिर आपसे बात की, आपने हमको समझाया कि इस तरह से दवाई लोगे ऐसा होगा वैसा होगा। भाभी तो कंटाल गई थी, तो बोल रही थी बाहर की दवाई मैंने बहुत सारे ली है और अब मुझे नहीं लेनी है, कोई दवाई नहीं लेनी है। तो फिर बाद में भैया आया, तो भैया को आपने वो दवाई भैया को दी, बोले मैं आपसे कवर कर लूँगा बोले। अच्छा। तो फिर भैया ने सिर्फ अकेले ने दवाई ली। अच्छा। और उसमें हमको फर्क आ गया। अच्छा। और आज भाभी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है और अपनी दवा सही है। हाँ जी सही है, अपने ट्रीटमेंट से है, बहुत सही है। और अभी और कोई दवा इसके लिए? कोई दवाई चालू नहीं है। चेकअप भी किया बाहर और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छा है। अच्छा। और दवाई दी उन्होंने पर वो हमने नहीं लिया, आप ही की दवाई चालू रखी, सिर्फ चेकअप बाहर करवाया था। जी जी जी, तो ठीक है, थोड़े भैया से भी बात कर लेते। जरूर जी। तो आप अच्छी तरह से बताइए कि क्या क्या हुआ था और अभी कैसा है और आपने क्या क्या महसूस किया वो थोड़ा बताइए। 4 साल से प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है मैरिज के लिए, जब से मैरिज किए तब से। तो पहले 2 बार रहकर इस तरह से मिस हो गया और फिर ऐसे जैसे आशा ही छोड़ दी थी दोनों ने। अच्छा। वे अभी लगता नहीं है कि कुछ होगा जी। फिर मेरा दूसरा प्रॉब्लम था अपना स्किन प्रॉब्लम था जी, तो उस वजह से मैं आपके पास में आया था दवाई के लिए जी। उस वक्त तो आपने बताया कि इस प्रेगनेंसी के लिए भी दवाई दी जाती है जी। पर मिसेज तो बहुत कंटाली हुई थी कि बोले अब मैं दवा करना ही नहीं चाहती जी। 4 साल से दवाई चल रही है बाहर की जी। तो फिर उसको अकेले को आपने दवाई दी जी। और उसी वजह से इतना फर्क हो गया। अच्छा। एक्चुअली दोनों को लेना चाहिए था जी, जी। मगर अभी वो अभी अब वो भी खा रही है, वो भी ले रही है जी। उसमें भी उसको ट्रस्ट हो गया है अच्छे से और 3.5 महीने जैसा अभी सक्सेसफुल है, ग्रोथ भी अच्छा है। अच्छा। वो रिपोर्ट भी निकलवा दिया है, गायनेक ने रिपोर्ट निकाला और सोनोग्राफी में देखकर ओके कहा है, 100% सब कुछ सही है। चलो तो बहुत खुशी है इस बात के जी। जी जी, और सब अपनी दवा से ही हुआ है बिल्कुल, कोई बार की कोई दवाई नहीं, यहीं की दवा से हुआ है और कोई तकलीफ भी नहीं जी। जी कोई उसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है दवाई की। और वो भी अपनी तरह से ठीक है, सब कुछ कर सकती है, उसको कोई टेंशन वगैरह नहीं है। नहीं। और पहले जो प्रॉब्लम रहते थे कि भाई जैसे दुखावा हो गया या खाना नहीं हजम होता था या भूख नहीं लगती थी और वो सब जो उल्टी कुछ है, जो प्रॉब्लम थे वो इस बार नहीं है। अच्छा। बहुत अच्छे से मतलब मैं मेंटेन, वोमिटिंग भी चला गया, वोमिटिंग चले गया, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है जी। और दूसरे जो प्रॉब्लम थे वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सर दर्द या ये वो जी, जी। तो ये बहुत अच्छी बात है बस। तो ये वीडियो इसलिए ले रहे हैं कि आपके जैसे पेशेंट को आप कुछ बताना चाहे अपनी दवा के लिए। तो यही कि बाहर की दवाओं में इतना असर नहीं है जी, अगर अच्छे से और टाइम से दवाई ली जाए तो इसमें ये सोने जैसा काम करती है जी। इसलिए इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं जी। मेरे ख्याल से दवाई बेस्ट में बेस्ट है जी। और यही दवाई करनी चाहिए मुझे पूरा था, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं थे, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम जैसे ऐसे भी प्रेगनेंसी की बात होगी और दूसरे भी जैसे प्रॉब्लम, मेरा जैसा स्किन का प्रॉब्लम था, मेरी सर्दी का प्रॉब्लम था, मेरे मम्मी के गांठ का प्रॉब्लम था, वो सब यहाँ से, वो सब भी कुछ यहीं से उनका अपनी दवा से हुआ है। अच्छा हो गया, अच्छा हुआ है, यानी सिर्फ यही बात नहीं है, सभी इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मुझे तो इसी इन्हीं दवाओं में पूरा पूरा विश्वास है। तो दूसरी और जगह जाकर अपना वर्क और पैसे जाया करने से ये बेस्ट है।
यहीं से लेना यहीं से ना दवाई लेनी चाहिए ओके थैंक यू